नमस्ते पाटिल्स किचन में मैं कोमल आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे स्पॉन्ज केक। उसके लिए मैंने यहाँ पर मैदा लिया है, पाउडर चीनी ली है, बटर टाटरी ली है, इसके जगह आप वेनेगर का इस्तेमाल कर सकते हैं, वाइट वेनेगर का। ये दूध है, चार अंडे योग अलग किया है, वाइट अंडे का वाइट अलग किया है। यहाँ पर नमक लिया है और ये वेनीला पाउडर लिए। सबसे पहले हम एक बर्तन में दूध और बटर इसे हम गरम करेंगे धीमी आंच पर। बटर को पिघलने के बाद गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और इसे रूम टेम्परेचर में ठंडा कर लेंगे। रूम टेम्परेचर में ठंडा होने के बाद इसे हम फेंटेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और फिर इसके अंदर डालेंगे चार योग और इसे भी अच्छी तरह से फेंट लेंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम एक छन्नी रखेंगे, इसके अंदर डालेंगे मैदा, 3/4 कप मैदा, 4 चम्मच पाउडर शुगर, पाउडर चीनी, वेनीला पाउडर और इसे हम छान लेंगे। छानने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसमें कोई लम्स नहीं रहने चाहिए, इस तरह से हम क्रीमी बना देंगे इसे। इसे मैंने 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से फेंट लिया है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से क्रीमी बन चुका है। अभी इसे हम साइड में रख देंगे। गैस को ऑन करके मैंने एक बर्तन में पानी गर्म करने के लिए रखा है 2 ग्लास। इस केक को हम स्टीम करेंगे। अभी मैं इसके अंदर एक वाइट लिया है, इसे हम फेटेंगे। इसके अंदर डालेंगे टाटरी, डालेंगे नमक, पाउडर शुगर, ये मैंने 1/2 कप ली है, इसे अभी हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे। इसे हमने 5 से 6 मिनट तक ठीक होने तक अच्छी तरह से फेंट लिया है। अभी इसके अंदर हम ये बनाया हुआ मिश्रण है, इसे हम मिक्स करेंगे। इसे स्पैचुला की हेल्प से मिक्स करें। ट्रे के अंदर मैं गरम पानी डाल रही हूँ। इसके अंदर मैं एक बर्तन को रख के ओवन में रख दूँगी प्रीहीट होने के लिए। दूसरे बर्तन में मैंने यहाँ पर पानी रखा है गैस पर। इसके अंदर स्टैंड रखेंगे। पानी अच्छी तरह से गर्म हो चुका है और यहाँ पर मैंने जो एक
केक टिन में बैटर डाला है उसे मैं फॉइल पेपर लगा के भगोने के अंदर रखूंगी। ताकि इसके अंदर पानी ना जाए इसे हम भगोने के अंदर रख देंगे और इसके ऊपर ढक्कन रखेंगे। आज को धीमा ही रख देंगे। मैंने ओवन को प्रीहीट करके रखा है, इसके अंदर बेक करेंगे। इसे मैंने 30 मिनट के लिए 200 डिग्री सेल्सियस पे रख दिया है। चलो देखते हैं हम हमारा केक बनकर रेडी है। क्योंकि ये पूरी तरह से फूल चुका है तो मैं गैस की फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और इसे बाहर निकल के ठंडा कर लूंगी। देखते हैं हमारा केक बनकर रेडी है। ये केक हमारा 25 मिनट में बन चुका है और भगोने वाला केक भी 25 मिनट में बन चुका है। केक ठंडे हो चुके हैं। हम देखते हैं भगोने वाला केक कितने अच्छी तरह से बन चुका है। इसे हम डिमोल्ड करेंगे। वाह, कितना सॉफ्ट और स्पंजी बना है। आप देख सकते हैं, ये देखो कितना सॉफ्ट बन चुका है। और ये है ओवन वाला केक, इसे भी हम डिमोल्ड करेंगे। देखो कितना मस्त एकदम सॉफ्ट बन चुका है। यह हमारा गैस पर बनाया हुआ भगोने वाला केक और ओवन वाला केक बनकर रेडी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।